निरसा कुमार डूबी ओपी अंतर्गत 4 नंबर बगान धौड़ा नाले के समीप मासस कर्जकर्ता सुरजीत सिंह का शव बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पूरा बगान धौड़ा के लोग उमड़ पड़े। सूचना पर कुमार डूबी ओपी प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भिजवाया। मृतक का बड़ा भाई ने बताया कि शनिवार की शाम वह गांव से लौटा था। मैंने उसे खाने के लिए कहा परंतु वह खाना नहीं खाया। सुबह पता चला कि उसका शव नाले में पड़ा हुआ है। वहीं पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने मृतक के घर पहुंचकर परिजनों से मिलने और हर संभव मदद करने का भरोसा दिया और कहा कि सुरजीत सिंह मासस के कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता थे। हमको आया गांव से करीब लगभग 6:30 बजे, तो हम बोले खरे खाना उना खा लेना, ना ना छोड़िए हम खा लेंगे बाहर। हमसे अलग ही रहता था 5-5 साल से, भाई है दिल मानता नहीं था, बोलते थे खाओ, बोला ना ना बाहर ही खा लेंगे। फिर रात 12 बजे तक हम तो सूत गए 9:30 बजे। उसका मिसेस वहाँ गाँव ससुराल अपना बाप करने नाड़े में सुरजीत जो हमारे पार्टी के बहुत पुराने साथी थे, उसको यहाँ पर कल रात को संदिग्ध हालत में यहाँ मृत्यु हुई है, जिसकी पोस्टमार्टम हो रही है और ओडी केस होने के बाद हमारे कुमांडो ओपी के सारे पदाधिकारी उसको जांच करेंगे, जो भी सही चीज़ है उसको लेके कार्रवाई करेंगे। पार्टी के लिए सर कितने क्षति हुई है? नहीं, एक समय था जो वो बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही सामाजिक लड़का था। इस इलाके में अगर सबसे सामाजिक लड़का था तो वो सुरजीत था। फिर बाद में वो आस्ते आस्ते उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो ये होते गए, तो हम लोगों के लिए निश्चय ही वो बहुत बड़ी क्षति। बगान धौरा के लोगों द्वारा सुबह में सूचना मिली कि खाई गादा के पास में एक डेड बॉडी नाले में पड़ा हुआ है। सूचना पाकर घटना स्थल के पास में तथा नाली में गिरा हुआ को बाहर निकाले तो स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि सुजीत गा है। जब ये लोग से पूछा गया कि क्या करते थे, इनका परिवार कहाँ पर रहता है, तो लोगों द्वारा बताया गया कि परिवार भाकुड़ा में रहते हैं और ये जो हैं ये रोग से भी ग्रसित थे। इनका शुगर एवं ब्लड प्रेशर भी काफ़ी रहता था। तत्काल शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजे जा रहे हैं। इसी तरह लगातार खबरों को देखते रहने के लिए बाबा राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।